नमस्कार, मैं आपका होस्ट इम्तियाज अहमद। अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है, कन्नौज में गैंगस्टर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व की टीम के साथ पहुंची पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त की है। इसी दौरान गांव में मुनादी कराकर संपत्ति को जब्त करा दी गई है। सार्वजनिक कन्नौज के ताल ग्राम थाना क्षेत्र के कुशलपुरवा गाँव निवासी गैंगस्टर तोताराम के क्षेत्र में दहशत कायम है। तालग्राम दंगे का भी मुख्य आरोपी रहा है। तोताराम को पुलिस की गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तोताराम के खिलाफ तालग्राम थाने में कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। एसडीएम बिछराम रामाऊ, सीओ सदर प्रियंका वाजपेयी और कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह के साथ गांव पहुंची टीम ने गैंगस्टर के करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त की है। पूरे गांव में मुनादी कर जब्तीकरण की घोषणा की गई है। इसी दौरान आरोपी के घरों और खेतों को जब्तीकरण करके भी कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गैंगस्टर के एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त तोताराम की अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है, उसे सरकार के पक्ष में कुर किया गया है। यह अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जेल में निरुद्ध है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।